तो आज हमारे पास एक Redmi Note 9 है और बहुत दिन के बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, और ये आपको पीछे से लग रहा है एक Redmi Note 9 है। तो चलिए हम इसको आगे जो डिस्प्ले उधर से दिखाते हैं। अब दिखाने के बाद थोड़ा लग रहा होगा आपको कि ये तो ओरिजिनल फ़ोन नहीं है, तो ये डमी फ़ोन है जो डेमो के लिए रखा जाता है, और ये वही फ़ोन है। बस हमको देखना है कि ये कितना मजबूत होता है, जो ओरिजिनल मोबाइल होता है उसके तरह मजबूत होता है कि थोड़ा सा कमज़ोर क्वालिटी का होता है, प्लास्टिक टाइप का होता है। क्योंकि इससे पहले आपको बहुत सारे वीडियो दिखाया गया होगा जो कि इसका भीतर का खोल करके दिखाया गया, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करेंगे, खाली इसका जो ओरिजिनल टाइप का है या कि डुप्लिकेट टाइप। तो चलिए सबसे पहले बैंड टेस्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं कि किसी को इसके ऊपर चढ़ाते हैं, हम ही लोग चढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका वेट है 65 kg से अबव, और उल्टा करके चढ़ाते हैं। ये उल्टा कर दिए हैं, अब स्क्रीन साइड से हम चढ़ते हैं, तो ये अभी तक कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर पास हो गया, तो इसके ऊपर हम चढ़ के देखें, ये टूटा नहीं। और जैसे ओरिजिनल फ़ोन को स्क्रैच किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि क्या वो स्क्रैच होगा या नहीं, वैसे ही करेंगे हम। तो चलिए थोड़ा सा नुकीला टाइप का हमारे पास है, उससे हम स्क्रैच करके देखते हैं कैसा है ये क्वालिटी है। तो चलिए ये नुकीला आपने देख लिया, ऐसा ही है, और चलिए हम इसको स्क्रैच करते हैं। तो देखिए ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बस आपको दिख रहा होगा ये स्क्रैच लग गया है। ओरिजिनल टाइप का ही है, लेकिन क्वालिटी वैसा का वैसा जैसा ये Redmi Note 9 का है मोबाइल। कैमरा के पास करते हैं, पूरा स्क्रैच लग रहा है। अब फिंगरप्रिंट के पास देखते हैं, चलिए ये पूरा डमी निकला। अब डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले तो पूरा प्लास्टिक दिख रहा है, एकदम ख़त्म है। तो चलिए अब हम इसको अलग अलग करेंगे, जैसे इसका बैक हुआ या डिस्प्ले हुआ, तो वैसा खोल करके आप लोग को दिखाते हैं। हाँ तो चलिए कैमरा से स्टार्ट करते हैं। कैमरा के जो ऊपर में लगा हुआ था जो फ्रेम टाइप का कैमरा का, ये ऐसा लगा हुआ था। अब कैमरा के बगल में देखिएगा जो लाइट है, जो फ्लैश लाइट है, वो बस कुछ नहीं है, बस उसमें स्टिकर सादा कलर का लट्ठा कर दिया गया है। और यहाँ आपको देखिएगा बैटरी टाइप का, ये बैटरी एक्चुअली में है नहीं, ये मेटल है। एग्जैक्ट वजन दिया गया जितना मोबाइल का वजन होता है, और थोड़ा सा मजबूत कर देता है ये मोबाइल को, यदि आप तोड़ना चाहें तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत मजबूत लोहा है, लोहा ही हो सकता है, लोहा ही है। फिंगरप्रिंट के नाम पर या कुछ बोलिए, फिंगरप्रिंट बस कुछ नहीं था, वो प्लास्टिक ही था, बस डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा मोबाइल है। और ऊपर से लट्ठा कुछ नहीं था, बस एक साधारण सा लट्ठा था, जैसे मोबाइल में ओरिजिनल लट्ठा होता वैसा कुछ नहीं था, बस ऊपर से ये लट्ठा था, सादा कलर आपको दिख रहा है, और ये लोहा के ऊपर में लट्ठा किया गया था। 3 मंजिला का ये बिल्डिंग है, और इतने ऊपर से हम नीचे गिराने वाले इस फ़ोन को, देखते हैं कि ये टूटता है कि नहीं या क्या होता है। तो दोस्तों पूरा राउंड दिखाते हैं कि ये मोबाइल टूटा या नहीं। तो चलिए साइड बगल से स्टार्ट करते हैं, देखिए थोड़ा सा ये हट गया है, ये देखिए थोड़ा सा हट गया है, और नहीं तो कुछ नहीं हुआ। और ये इस साइड में कुछ नहीं हुआ है, ऊपर साइड यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है, पीछे साइड भी कुछ नहीं, मतलब नीचे साइड कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा हट गया है। अब पीछे साइड देखिए, हमको लगा था ये प्लास्टिक है, लेकिन है नहीं प्लास्टिक, देखिए यहाँ पर इस जगह आप देखिए, ये प्लास्टिक नहीं, ये स्टील लग रहा है हमको, स्टील लग रहा क्या है, स्टील ही है। आपको दिखाना चाहते हैं आप लोग को कि ये स्टील या प्लास्टिक, स्टील नहीं, ये प्लास्टिक ही है अंदर से, क्या कि ऊपर से थोड़ा पेंट करने के लिए शायद इसको सिल्वर कलर का से पेंट किया गया था, लेकिन अंदर ये प्लास्टिक है, लेकिन इतना मजबूत है कि 3 मंजिला से गिराए ये कुछ भी नहीं हुआ। तो पेंट टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ये टूट चुका है एक साइड से, पूरी तरह से टूट चुका है। इसमें देखिए एक अलग अलग पार्ट बन गया, 3 पार्ट, ये ऊपर एक पार्ट, बीच में, और ये नीचे का एक पार्ट बन गया है। ये रीजन यही है कि अंदर में एक दो गो मेटल दिया गया है, और जहाँ जहाँ दो गो है लास्ट वाला, वो वहाँ पर मेटल दिया गया, और वहीं पर ये टूट नहीं रहे, नहीं था ये टूट जाता, इसलिए इसको हम फेल ही मानते हैं, और वैसे फेल होना ही था। हम लोग को बस टेस्ट करना था कि ये ऐसा ओरिजिनल जैसा होता है या जो प्लास्टिक का सामान होता वैसा। इतना मजबूत लोहा दिया गया है ना, आवाज़ पे ही आपको लगेगा कि हाँ ये मजबूत लोहा है। अब कैमरा दिखाते हैं ये कैसा है। ये हम इसको पूरी तरह से जोर से मारे, लेकिन टूट नहीं रहा है। ईटा से हमने मारा इसको, लेकिन ईटा से भी कुछ नहीं हो रहा है। ये चलिए हम सब कुछ कर लिए, बेंड कर लिए, ऊपर चढ़ करके देखे और नीचे गिराकर भी देखे,
और ये दो सामान होने के कारण ये इतना मजबूत रहा, ये पूरी तरह से लोहा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।